तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूँ कि आप घर बैठ के बहुत बोर हो रहे हो, तो आपका भाई आपके साथ है ना। तो आज हम बनाएंगे एक छोटा प्रोजेक्टर जिसे आप घर बैठ के सिनेमा हॉल की तरह मज़े ले सकते हैं। मैं अक्सर जो भी चीज़ बनाता हूँ वो बहुत मुश्किल होता है, या तो फिर कॉम्पोनेंट ना होने की वजह से आप घर पर ट्राई नहीं कर सकते हो। तो आज ये जो प्रोजेक्टर मैं बनाने जा रहा हूँ वो आप घर पर इजीली ट्राई कर सकते हैं। जो जो कंपोनेंट चाहिए वो आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं इसे बनाने में क्या क्या चीज़ चाहिए। तो फर्स्ट हमें चाहिए इस टाइप का एक बॉक्स, जो कि ऊपर से ओपन किया जा सकता है। ऐसा एक बॉक्स आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। और हमें चाहिए इस टाइप का एक ख़राब पुराना बल्ब, जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। और चाहिए एक स्मार्टफोन, और चाहिए इस टाइप का कोई मोटा कागज़, बस इतना ही। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फर्स्ट हमें बल्ब को लेना है। बल्ब को लेने के बाद ठीक है, यहाँ पर इसे कट करना है। चाकू, हैस्को ब्लेड आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है, तो इसे हम ऐसे मोटा कागज़ से लिपटा लेंगे, ताकि अगर बल्ब फट जाए तो हमारा हाथ ना कटे और अंदर ही वो टूट के रह जाए। तो ऐसे ज़रूर मोड़ लेना मोटा कागज़ से, ऐसे टेप से या रस्सी से बांध लेना, ऐसा होगा। फिर हमें किसी कटर से यहाँ पर कट करना है। चलो काट लेते हैं इसे हम। थोड़ा ध्यान से कटिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत करना, ज़्यादा प्रेशर करने से ये फट सकता है। धीरे से टाइम लेकर इसे कटिएगा। चलो हम काट लेते हैं। कटने के बाद ये इस टाइप का दिखेगा, और इसे एक स्क्रू ड्राइवर से, यहाँ पर एक कांच का लेयर होता है, इसे तोड़ लेना, ऐसे स्क्रू ड्राइवर से आप तोड़ना। अंदर से बहुत कांच का टुकड़ा निकलेगा, ध्यान से करिएगा ये काम को। और एक बड़ा टुकड़ा है जो फिलामेंट, जो बल्ब जलता है, ये रहा, बस हमारा काम हो गया। तो चलो हम इसे खोल लेते हैं। तो ये रहा, एकदम परफेक्ट हो गया है ठीक से। और उसके बाद हमें बॉक्स के ठीक सामने ऐसे बल्ब का शेप ड्रॉ करना है, ताकि इस बल्ब को हम यहाँ फिट कर सके, ठीक ऐसे। और शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें ऐसे काट लेना है। काट लेने के बाद हम यह ग्लू लगाएंगे। आप कोई सा भी ग्लू लगा सकते हैं, कोई सा भी ग्लू, फेविकॉल, फेविगम, फेविक्विक, जो चाहे लगा सकते हैं। हम बस इस बल्ब को यहाँ फिट करेंगे। मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो इसे फिट कर लेते हैं जल्दी। फिर हम बोतल से इसमें पानी भरेंगे, एकदम फुल करेंगे, धीरे धीरे पानी भरना। तो चलो हो गया। मैंने इसको एक टेबल में रखा है, एक छोटा टेबल में। सामने एक सफ़ेद कागज़ का बड़ा एक पोस्टर में रख दिया है। तो इसके अंदर हमें एक कागज़ रखना है जो कि एकदम बराबर फिट हो, इसमें एकदम टाइट फिट हो, देखो ऐसे, ताकि हम फोकस मेंटेन कर सके। हम पीछे करेंगे,
आगे लेंगे ताकि फोकस मेंटेन हो सके। आप ठीक से फोकस मेंटेन कर लेना, किसी किसी समय ब्लर हो जाएगा, आप ठीक से फोकस ठीक कर लेना, मैं ठीक कर लिया हूँ। और हमें एक ऐप का ज़रूरत है, जिसका नाम है मैक्स प्लेयर, क्योंकि आपका जो मीडिया प्लेयर है उसमें स्क्रीन रोटेट होता है। इसमें हम स्क्रीन रोटेट ऑफ करके चलाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप कोई सा वीडियो ले लेकर वॉल्यूम और ब्राइटनेस एकदम फुल कर दे, एकदम मैक्स, और थ्री डॉट ऑप्शन में जाकर डिस्प्ले और स्क्रीन रोटेशन का जो टिक दिया हुआ है उसे अनटिक कर दे ऐसे, और आप कोई सा भी वीडियो प्ले कर सकते हैं अब। और हम उस कार्डबोर्ड के सामने इस मोबाइल को रख देंगे और देखो हमारा प्रोजेक्टर एकदम ठीक से काम कर रहा है। उतना बड़ी स्क्रीन नहीं होगा बट सिनेमा का मज़ा जो है एकदम सेम टू सेम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।